पढ़ाता हूँ। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि आप फ्री फायर अच्छी खेलते हो, अच्छी सिखाते हो, तो क्यों ना आप गेम सिखाने के वीडियोस बनाइए, और इसीलिए मैंने गेमिंग चैनल फ्री फायर की शुरू की। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मैं आपको एक सिंसेयर प्रोफेसर की तरह दिखूंगा, और फिर शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक एक हार्डकोर गेमर। फ्री फायर के वीडियोस में सबसे पहले मैं स्ट्रीमिंग करता था। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी स्ट्रीमिंग पीक पे चल रही थी और एग्ज़ाम्स आके रुक गई, तो मैंने कस्टम रूम्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, और उसी टाइम पे एंट्री होती है 3 लोगों की, स्टॉम, एके और अर्पित। तो शुरुआत तो हमने एक दूसरे के ऑपोजिट में खेलने से की थी, मगर बाद में पता चला कि साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। जो हम साथ में खेलते थे वो गेम से इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया। सो इट इज़ बेसिकली कि 4 दोस्त आप साथ में बैठे हो, गप्पे लड़ा रहे हो और साथ में गेम भी खेल रहे हो। कभी मिले आप लोग? नहीं, हम एक्चुअली में चारों एक दूसरे को कभी नहीं मिले। प्लान बहुत बने मगर मिले कभी नहीं। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। 2 पार्टिकल के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे हमारी जो दोस्ती है वो बिल्कुल क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह है। हम चारों एक दूसरे से दूर हैं, मगर किसी एक पे भी कुछ भी होता है तो फील चारों करते हैं, रिएक्ट चारों करते हैं। इस चीज को आप टीम सिनर्जी कह लो, ब्रदरहुड कह लो, बॉन्डिंग कह लो, कुछ भी कह लो। वो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। मेरा नाम हर्षित है और मेरा इन गेम नेम पीजी स्टॉर्म है। मैं गुवाहाटी द सिटी ऑफ टेंपल्स में रहता हूँ। स्टॉर्म जो है ना, वो एकदम रिवेंज टाइप का कैरेक्टर है, इजीली ट्रिगर्ड पर्सन आप बोल सकते हो। वी सर के चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम हो रहा था जहाँ पे कस्टम रूम्स होते थे। एक राउंड में प्रीसर ने मेरे को नॉक किया और मैंने एक राउंड में प्रीसर को नॉक किया था। फिर मैं और प्रीसर एक साथ ग्रुप में आए कि भाई कैसा लगा ऐसे करके। मेरा नाम है अमल कृष्णा, 20 years of age। मेरा इन गेम नेम है मिस्टर एके। एके एक्चुअली में केरला से है, और एके का जो कैरेक्टर है वो भी एग्जैक्टली साउथ के मूवी के हीरो जैसा है। उसके साथ अगर आप खेल रहे हो ना, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। उसे पंगे लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा बोलता रहता था, एक मेडिकेट दे दो मैं सबको नॉक कर दूंगा, पर नॉक खुद ही हो जाता था जाके। और उससे भी स्पेशली पसंद है मेरी किल चोरी करना। भाई मेरा चोरी होता है किल, मैं किसी को चोरी नहीं करता, वो लोग मेरा किल चोरी करते हैं। मेरा नाम है अर्पित पठानिया, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, करंटली मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। अर्पित बेसिकली बहुत ज़्यादा म्यूट रहता है, कुछ मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता था, और इसलिए कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि कोई रश कर रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो दे नहीं पाता। गेम में बेसिकली अर्पित और स्टॉर्म ये दोनों रशर है, क्लोज रेंज फाइट्स के एक्सपर्ट है, और वो हमेशा आगे भागते हैं। मैं स्नाइपर हूँ और इन गेम लीडर हूँ, तो मैं सबसे पीछे रहता हूँ। उन दोनों और मेरे बीच में रहता है एके, जो कि एक फ्रैगर है और एक असल्टर है। स्टॉर्म और एके जाते हैं रश करने के लिए, फिर क्या, वो जाते हैं दोनों नॉकडाउन। स्टॉर्म तो बोलता रहता था कि भाई तू आगे चल, मैं तेरे पीछे कवर देने के लिए। और मुझे और अर्पित को जाना पड़ता है रिवाइव करने। नॉर्मली जब कैजुअल मैचेस खेलते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने में से लोग ऊपर नहीं आते, यही लोग प्रोफेशनल मैचेस खेलने जाते हैं, कोई क्रूशियल मैचेस खेल रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं, तो एक दूसरे के गेम प्ले को इतना ज़्यादा समझते हैं कि बोलना भी नहीं पड़ता है और एक दूसरे को असिस्ट मिल जाता है। धीरे धीरे व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ, और फिर हमारा एक टाइम था कि रात को 9 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करना है। रूटीन बन गया हमारा कि 9 बजे है तो अपन गेम में आना है, स्क्वाड पे लोग वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता था कि भाई आ जाओ,
सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे का वेट करते थे, बिकॉज सभी लोग उसी टाइम पे ऑनलाइन आते थे और उसी टाइम पे खेलते थे। और अगर मैं लेट हो गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, सर कहाँ हो, 9 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करना है, स्ट्रीम पे आ जाओ। उस टाइम पे बॉन्डिंग ऐसी थी ना कि अगर कोई मुझको बोल जाता है ना, तो दे आर बी लाइक, सर आप जवाब दे दोगे, आप क्यों अपना मुँह खराब करोगे, हम बैठे हैं ना आपकी ओर से। एक टाइम था जब स्ट्रीम पे बिल्कुल वॉचिंग नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था मैं। इन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि सर आप लाइव करना शुरू करो, आपको वॉचिंग आ जाएगी। मैंने लाइव स्टार्ट किया, 5-6 की वॉचिंग आ रही है, आई वॉज सरप्राइज कि ऐसे कैसे। मगर फिर मुझे एक दिन बाद पता चलता है कि ये लोग अपने मम्मी पापा के फ़ोन में लाइव स्ट्रीम लगा के बैठे थे। ये लोग एक बैकबोन है, एक रीज़न है कि आज मैं एक चैनल लेके खड़ा हूँ। एक टाइम था जब मैं फाइनेंशियली और मेंटली बहुत डाउन हुआ था। एक के पापा को कोविड हो गया, ज्यादा ही सिम्टम्स थे, तो वो पूरा प्रेशर में है। स्टॉर्म की एग्जाम्स, पापा का बिजनेस, जितनी भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उसको कैचअप कर रही है। पढ़ने के लिए मेरे को घर से दूर इधर आना पड़ा, थोड़ा अकेला फील करता था, इंट्रोवर्ट था, इसलिए ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। एक टाइम था जब हम दिन में 6 घंटे खेला करते थे, और अब 6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने खेले। अब टाइम नहीं मिल पाता, पहले पढ़ाई थी, अब जॉब है, तो फिर सबके एग्ज़ाम्स आने लगे, सबका थोड़ा बिजी शेड्यूल होने लग गया, तो फिर सबने थोड़ा खेलना कम कर दिया। मैं बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को जब हम सभी लोग गेम साथ में खेलते थे। काश कोई उसी टाइम मेरे को बता देता कि फ्यूचर में मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा, तो उसी टाइम मैं 3-4 गेम शायद और खेल लेता। कभी मिले आप लोग? नहीं, हम एक्चुअली में चारों एक दूसरे को कभी नहीं मिले। प्लान बहुत बने मगर मिले कभी नहीं। बहुत ज्यादा। फाइनली गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड, सो आई कांट बिलीव कि मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। इतने मीटिंग्स कैंसिल हो चुके हैं कि हम लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, भाई कब आ रहा है, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं साथ में। सब अपने काम में बिजी रहते थे और कुछ ना कुछ फिर रहता था, इसलिए मिल नहीं पाए। पर मिलना है, साथ में बैठ के गेम खेलना है। भाई मेरे को तो उन लोगों से मिलना है, एक मीटअप तो बस कुछ भी हो करके रहना है। मैं रियल लाइफ में भी देखना चाहता हूँ कि वैसे ही है या कुछ चेंज है उसमें। सो अगर अब मिल जाते हैं ना तो मज्जा पड़ी जैसे। भी जैसे रिसेंटली प्रीसर की शादी हुई है तो हम वहाँ जाने वाले थे, लेकिन अब हमारे एग्जाम्स आ गए थे तो मैं जा नहीं पाया। एज अ फैमिली आप जैसे कोई चीज़ को हैंडल करते हो, हम बिल्कुल उसी तरह उस चीज़ को हैंडल करते हैं, और उसके अंदर फिर ना कोई बैरियर आता है या फिर ना कोई ऐसी चीज़ें आती है जो हमें रोक सके। एज अ फैमिली, एज अ क्वांटम एंटेंगलमेंट हमारी बॉन्डिंग है सब। मैं तो हमेशा कहता हूँ लाइफ फ्री फायर मैक्स गेम की तरह है, कभी आप जीतोगे, कभी नॉकडाउन भी हो जाओगे, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि गेम की तरह जिंदगी में भी कोई आएगा, आपको रिवाइव करेगा, और एक ना एक दिन आपका बुआ हो ही जाएगा। तो फोन उठाओ, अपने दोस्तों से बात करो और गरीना फ्री फायर मैक्स खेलो।